माननीय सांसद निहाल चंद जी, धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं सबसे पहले भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद के समर्थन में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, इस देश में पहली बार कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए भी पहली बार 8.5% इस देश की DGP होती जा रही है, और मैं समझता हूँ कि 2,94,000 करोड़ डॉलर की है ऐसी कोरोना की महामारी के बीच आज हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। DGP राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान की कुल GDP कितनी भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि खेत और खलिहान जब ठीक होगा, खेत के मजदूर के खेत में, किसान के खेत में जब अच्छी फसल होगी, तो मैं उसको DGP मानता हूँ। क्योंकि सभापति जी, जब किसान खुशहाल होगा तो यह देश खुशहाल होगा। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है, और मैं समझता हूं कि देश के गांव को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। पिछले 7 साल के अंदर यह देश किस तरीके से विकास के पथ पर पहुँचा है, यह कहते हुए मुझे कोई शंका नहीं है। हम लोग आज एक विकासशील श्रेणी में जाके खड़े हुए हैं, आज हम लोग एक विकास के देशों में जाके हम लोग खड़े हुए हैं। पहली बार इस देश के अंदर जब कोरोना महामारी आई थी, तब से लेकर अब तक इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो चिंतन किया और करीबन 168 करोड़ डोज इस देश में लगाई, 91 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है, करीबन 72 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग गई है, और मैं समझता हूं कि एक ऐसी महामारी से इस देश को निकालना एक बहुत बड़ी बात थी। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, भारत के अंतिम छोर पर गांव में बैठे हुए व्यापारी, गांव में बैठे हुए मजदूर और किसान का अगर किसी ने ध्यान रखा है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मेरे दो जिले हैं सभापति महोदय, दोनों जिलों में आज केंद्र की सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ मंत्री जी को कि दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज इतनी अच्छी सुविधाएं आज केंद्र की सरकार ने हमें दिए, और पहली बार मैं समझता हूं केंद्र की सरकार ने पानी पी लो इस देश के लिए, गांव के गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। आज देश का गरीब आदमी जिसके सर पे छत नहीं थी, उसको छत देने का अगर किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। सभापति जी, फरवरी 2015 में देश के प्रधानमंत्री जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गंगानगर से सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की थी, और तब से लेकर अब तक किसानों को, किसान की जमीन किस तरीके से अच्छी रहे, किस तरीके से किसान की जमीन खुशहाल रहे, धरती माँ की तबीयत खराब नहीं हो, इसके लिए अगर किसी ने बीड़ा उठाया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। एक छोटी सी किसानों की एक छोटी बात को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री जी बीड़ा उठाते हैं। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभापति जी बहुत ज़्यादा किन्नू होते हैं, तो अभी एक स्पेशल ट्रेन किन्नू की रवाना करने का काम इस देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार केंद्र की सरकार ने किया है, और मैं मेरी तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक इतना बड़ा काम, एक किन्नू की ट्रेन बांग्लादेश भेजने का काम, यह भी पहली बार हुआ है। हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत हो, हमारा भारत एक विश्व गुरु बने, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया है, और मैं समझता हूँ कि विकास के पथ पर पहुँचाने का काम और विश्व गुरु बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक जमाना ऐसा था सभापति जी कि पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु मानने के
उस कदम पे जा पहुंचे हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। एक बार मुझे अमेरिका जाने का सौभाग्य मिला, सभापति महोदय, 1996 में जब मैं अमेरिका गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सेल्फ सर्विस है, ग्राहक आता है, माल लिस्ट देखता है और माल लेकर चला जाता है, पैसे वहीं पे छोड़ जाता है। जब मैं दोबारा हिंदुस्तान में आया तो बस एयरपोर्ट पे लिखा हुआ था कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवारी है। जब मैं बस में बैठा तो ये लिखा हुआ था कि जेब कतरों से सावधान। तो अगर ये इस देश की हालत किसी ने की है तो इन लोगों ने की थी। आज तो इस सदन में इनका कोई भी सदस्य अभी इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसको उभारने का, इसको उठाने का काम और इस देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम केंद्र की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है सभापति जी, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे अभी एक सड़क निकल रही है, ग्रीन कॉरिडोर 25,000 करोड़ रुपये की, बठिंडा से लेके राजस्थान होते हुए भावनगर तक एक बहुत बड़ी सड़क केंद्र की सरकार ने, बहुत बड़ी सड़क वहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकल रही है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और माननीय परिवहन मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सड़क वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल रहे हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि मेरा टाइम भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया है। तो मैं अभी राजस्थान में रीट के पेपर हुए थे और रीट में जिस तरीके से धांधली हुई थी, अभी वो रीट की एजेंसी वही थी इस कांग्रेस पार्टी की वर्तमान की सरकार ने 8 साल पहले उसी एजेंसी को रीट का एग्जाम कराने के लिए बोला था, आज भी उसी को बोला है। और उस रीट की एजेंसी ने, अभी जो रीट का एग्जाम हुआ उस एजेंसी ने रीट के जो पेपर थे उनको बेच दिया। अभी उसकी जांच SOG ने की और सरकार को और अधिकारियों को दोषी माना, विभाग को दोषी माना। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसकी जांच CBI से हो और वो परीक्षा जो हुई है उसको रद्द किया जाए, ताकि राजस्थान के नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो सके, वो एक बार फिर अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सके। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। सभापति जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश एक सीमावर्ती क्षेत्र, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरा राजस्थान प्रदेश एक रेतीला है, कहीं पे सिंचाई हेतु पानी है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे पीने हेतु पानी है, कहीं पे नहीं है। लेकिन जल जीवन मिशन जो स्कीम है वो हर घर तक जल पहुँचाने का उसने काम किया है। मैं मेरी तरफ से भी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका इशारा सभापति जी मैं समझ रहा हूँ, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाए, एक विकास के पथ पर ले जाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।